लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। खासकर ग्रामीण इलाके के लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सागर जिले के गोरझामर के पास खोड़ी गावरी गांव की पुलिया पानी के ज्यादा बहाव की वजह से बह चुकी है, जिससे स्कूली बच्चों की जान पर बनाई है। मासूम बच्चे जान हथेली पर रखकर स्कूल जा रहे हैं। पुलिया के मलबे पर से पानी बह रहा है। बच्चों के परिजन बामुश्किल उनको नाला पार कराते हैं। दरअसल जिस गांव के ये बच्चे हैं, उस गांव में स्कूल नहीं है। मासूमों को पढ़ाई के लिए गोरझामर जाना पड़ता है। ये मासूम बकायदा तैयार होते हैं, बनते संवरते हैं, लेकिन गांव के नाले पर से जब गुजरते हैं तो सब धुल जाता है। बच्चों को अपना मेकअप बचाना तो दूर, अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। सांसें गले में अटक जाती हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं और इस हालत में स्कूल में बैठना पड़ता है। तस्वीरें देखिए, इन स्कूली मासूमों को अपना भविष्य सुनहरा बनाने के लिए कितनी मुसीबत से जूझना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए हैं। कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। गांव के लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नवंकुर, अच्छा अच्छा रोज आती यहाँ से? अच्छा, पहले जुड़ी थी, अब कितने दिन हो गए? मुझ के दिन हो गए। क्या समस्या बेटे यहाँ पे? अपन निकल नहीं पाते यहाँ से। अच्छा, समस्या ये है कि बरसात का पानी निकलता है तो बाल बच्चे स्कूल के लिए परेशान हो रहे हैं। अच्छा, चढ़ जाता नाला, एक परसों चढ़ा था तो छः बच्चे जिन्होंने सर लाइन से खड़े होकर निकाला, एक एक बच्चे। एक ही बच्चे समस्या है। ये पुलिया सुजानपुर ग्राम पंचायत में आती है जी। निकास होता है सलावारा पंचायत के ग्राम खोड़ी गाँव पर जी। ये पुलिया पानी तेज गिरने से टूट गई। ये पुलिया 95-96 में बनाई गई थी, जो पहले से क्षतिग्रस्त थी। सागर टीवी न्यूज के लिए गोरझामर से प्रहलाद साहू की रिपोर्ट।